now we discuss about Fortran preliminaries. Preliminaries क्या है, ये मेरी basic terms हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है कोई भी program बनाने के लिए Fortran में. क्या है ये basic terms, क्या है Fortran preliminaries. ठीक है, बेसिक टर्म्स फॉर मेकिंग एनी प्रोग्राम. सबसे पहले अब ये बेसिक टर्म्स हैं मेरी, तो मैं देखती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है. इसके अंदर है प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम. सेकंड थिंग इज कंपाइलर. थर्ड इज रनिंग. बेसिकली यही दो होंगी, जो मेरी थर्ड होगी ये रनिंग, ये मेरी कंपाइलर के ही अंदर मैं एडजस्ट कर दूंगी और यहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसे. तो जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या है बेटा मेरा, ये किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाने वाला एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. क्या होता है ये मेरा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. क्या है ये एक मेरा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस लिखते हैं, तो ये क्या होता है मेरा, प्रोग्राम होता है. जो ये प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं हमारी लैंग्वेज में, मेरा मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज, मैंने अभी अभी डिस्कस किया था कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है. तो जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं ना बेटा, जो हमारे यूज़र फ्रेंडली होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम. क्या बोलते हैं इसे, सोर्स प्रोग्राम. और बेटा जो मैंने कहा था कि कंप्यूटर क्या करता है, ओनली मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है. मैंने कहा था क्या करता है कंप्यूटर, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है, मतलब कि 0101 की फॉर्म में. तो जो ये हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है ना बेटा, अब ये कोई ना कोई ऐसी थिंग होगी कंप्यूटर में जिसका कि हम लोग यूज़ करेंगे ताकि वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल के अंदर उस फॉर्मेट को कन्वर्ट कर सके. तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कंपाइलर का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं, कंपाइलर का. कंपाइल क्या करता है कि जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा था, मतलब कि जो हमने सोर्स प्रोग्राम लिखा था, उसे 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना देता है. क्या बनाता है, उसका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना देता है. और जो ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम 0101 की फॉर्म में बनाता है, इसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. क्या करता है कंप्यूटर के लिए, ये अंडरस्टैंडेबल होता है. क्या, 0101 का फॉर्मेट. तो जो चीज़ सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करती है वो क्या होती है, कंपाइलर होती है. और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन. क्या बोलते हैं इसे, कंपाइलेशन. अब जो ये मेरा सोर्स प्रोग्राम है, मैंने कहा सोर्स प्रोग्राम था, क्या था, सोर्स प्रोग्राम था, इसे कंपाइलर ने कंपाइल किया और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो जब कंपाइलर किसी भी सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करना जाता है ना, तो वो क्या करता है, सबसे पहले चेक करता है कि हमने जो वो लैंग्वेज फॉलो की है उसके सारे सिंटैक्सिस को, रूल्स को फॉलो किया है या नहीं किया. तो ये हमें सबसे पहले उस, अगर हमने कोई सिंटैक्स को मिस कर दिया या किसी का गलत यूज़ किया है, तो ये हमें वार्निंग देता है कि वहाँ पे गलती है और उससे जाके करेक्ट करो, फिर हम उसे रिमूव करते हैं. अभी जैसे नेक्स्ट सेम में तुम्हारी क्लासेस लगेंगी, इस सेम में भी लग सकती है, मुझे नहीं पता, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर तो लगेंगी, तो लगेंगी. चलो हम लोग यही मान के चलते हैं कि 21 सितंबर से हमारी क्लासेस लगेंगी. तो लेकिन जो ये फोर्ट्रान लैंग्वेज है ना, इसके प्रोग्राम्स तुम्हें अगले सेम में करवाऊंगी. तो जब अगले सेम में तुम लोग ये प्रोग्राम्स को करोगे, तो देखोगे तुम लोग, जब तुम एक प्रोग्राम को लिखने के बाद उसे कंपाइल करोगे ना, तो उसमें कुछ एरर्स आएंगी और तुम लोग खुद से उसे रिमूव करोगे, फिर से उसे रनअप करोगे,
फिर हो सकता है फिर से कुछ एरर्स आ जाए, तुम लोग उन्हें भी रिमूव करोगे, फिर उसे रन अप करोगे। जब तुम उसे रन अप करते हो, मतलब कि एग्जीक्यूट करते हो, तो कुछ टाइम्स, कभी कभी हमारे पास कुछ रन टाइम्स एरर्स भी आ जाती हैं, और हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को, उन रन टाइम्स एरर्स को भी रिमूव करते हैं। उन रन टाइम्स एरर के बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन हम लोगों को मिलता है रिजल्ट। तो जो एक प्रोग्राम को हम लोग रिजल्ट गेट करने के लिए क्या करते हैं, उसे टोटली एरर फ्री बनाना होता है। जब उसके अंदर से कंप्लीट एरर्स रिमूव हो जाएंगी, तभी मेरा वो प्रोग्राम हमें आउटपुट देगा। तो अभी मैं देखती हूँ कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं एक प्रोग्राम को रन अप। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को लिख दिया, ठीक है। प्रोग्रामर ने क्या किया, इसे कंप्यूटर के अंदर डाल दिया, कंप्यूटर के अंदर डाल दिया। अब कंप्यूटर क्या करेगा, चेक करेगा कैसे, कंपाइल आएगा, कंपाइलर आएगा, कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, मतलब कि अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कंपाइलेशन का। कंपाइल करके वो चेक करेगा कि इसके अंदर सिंटैक्स रूल्स करेक्ट हैं या नहीं हैं, सारे के सारे सिंटैक्स रूल्स फॉलोएबल हैं या नहीं हैं। अगर सेकंड स्टेप में अगर मेरे पास कुछ ना कुछ सिंटैक्स रूल्स मेरे आ जाते हैं, तो एरर्स मुझे शो हो जाएगी स्क्रीन पर, और उसे मैं क्या करूँगी, रिमूव कर दूँगी, उस एरर को मैं रिमूव कर दूंगी। अगेन एरर फ्री होने के बाद कंपाइलर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करना स्टार्ट कर देगा, और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एरर्स को रिमूव करने के बाद। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो मेरी प्रोग्राम जैसे ही सिंटैक्स एरर फ्री हो जाता है, सिंटैक्स एरर फ्री हो जाता है, तो अब मैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाऊंगी, क्या करूंगी, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होगा, एग्जीक्यूट करूंगी। एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ बार मेरी रन टाइम्स एरर्स आ जाती हैं, मतलब कि जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे मेरी एरर आती है ना, उसे मैं बोलती हूँ कौन सी एरर, रन टाइम एरर। मैं क्या करूंगी, फिर इन एरर्स को रिमूव करूंगी, क्या करूंगी, जो ये मेरी रन टाइम्स एरर आ रही है ना, रन टाइम एरर्स, मैं क्या करूंगी, इन एरर्स को रिमूव करूंगी, रन टाइम एरर्स को रिमूव करूंगी, ठीक है। अब उसके बाद जब मेरा प्रोग्राम कम्प्लीटली फ्री हो जाता है रन टाइम एरर से एंड सिंटैक्स एरर से, कम्प्लीटली मेरा क्या हो जाता है, ये एरर फ्री हो जाता है, तो इस टाइम पे क्या होगा, अब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे आउटपुट मिल जाएगी, एंड वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट, एंड दैट इज द प्रोसेस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फोरट्रेन के अंदर क्या क्या सिंबल्स होते हैं, क्या क्या थिंग्स होती हैं जिनका कि हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब कि कैरेक्टर्स एंड ऑपरेटर्स यूज्ड इन फोरट्रेन, कैरेक्टर्स एंड ऑपरेटर्स यूज्ड इन फोरट्रेन। इसकी पीडीएफ मैं तुम लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगी। दिस इज ओनली जस्ट लाइक यूर ब्लैक बोर्ड, बट दिस इज व्हाइट बोर्ड विद ए पेन। तो जैसे वहाँ हम लोग क्लास लेते हैं, सिमिलरली इन द सेम वे हम लोग यहाँ क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा चाहे तो जैसे हम लोग क्लास में करते हैं, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते हैं, यहाँ भी तुम लोग अपने नोट्स साथ के साथ बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करूँगी बात कैरेक्टर्स के बारे में। इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं मेरे, जो कि अवेलेबल होते हैं, अल्फ़ाबेट्स कैपिटल भी होते हैं एंड स्मॉल भी होते हैं, कैपिटल ए टू जेड सारे अल्फ़ाबेट्स एंड स्मॉल ए से जेड तक सारे अल्फ़ाबेट, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर डिजिट्स भी इंक्लूड होती हैं। डिजिट्स मैंने कहा था कि जो हमारा इंडिया है ये क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करता है, तो डिजिट्स मेरी 0 से 9 सारे के सारे डिजिट्स इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि एट द रेट, हैशटैश, ठीक है, कोमा, फुल स्टॉप, प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, और
ये किसके लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए, इस टाइप के मेरे डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स भी फोरट्रेन में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ ऑपरेटर्स के बारे में। तो मेरा सबसे पहले आया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में मेरे आते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और ये क्या कहा था मैंने, एक्सपोनेंशियल। ये सारे के सारे जो मेरे ऑपरेशंस हम लोग डाटा के ऊपर फॉलो करते हैं, ये क्या आते हैं मेरे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। सेकंड थिंग इज़ हम लोग बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स में मेरे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स आते हैं। जैसे कि मेरा आता है एक सिंबल लेस देन। अगर लेस देन को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो फोरट्रेन में मैं रिप्रेजेंट करूँगी ऐसे, LT से कैपिटल और दोनों साइड डॉट से। ग्रेटर देन को मैं रिप्रेजेंट करूँगी GT से। किससे रिप्रेजेंट करूँगी? GT से। उसके बाद इक्वल टू को मैं रिप्रेजेंट करूँगी EQ से। किससे रिप्रेजेंट करूँगी? EQ से। उसके बाद लेस देन इक्वल टू अगर हो तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूँगी LE से। LE की फुल फॉर्म क्या होगी? लेस देन इक्वल टू LE। ग्रेटर देन इक्वल टू अगर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैं उसे रिप्रेजेंट करूँगी GE से। किससे रिप्रेजेंट करूँगी? GE से। अब उसके बाद नॉट इक्वल टू अगर हो तो मैं उसे रिप्रेजेंट करूँगी NE से। एंड ये मेरे क्या हैं, कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कि फोरट्रेन के अंदर अवेलेबल होते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है मेरा लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स? लॉजिकल ऑपरेटर्स मेरे क्या होते हैं, जैसे कि एंड, और, नॉट, ये मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि इनको मैं दो वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं x एंड y, ये क्या होगा, मैंने x और y मेरे ये दो वेरिएबल्स थे या दो इनपुट थी जिसके ऊपर मैंने एंड ऑपरेटर को अप्लाई किया और फिर मुझे आउटपुट मिलेगी। अब जो ये एंड ऑपरेटर की आउटपुट है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये ओनली ट्रू कब होती है? जब मेरी दोनों के दोनों ट्रू हों। इट इज़ ओनली ट्रू व्हेन बोथ एक्स एंड वाई ट्रू, मतलब कि दोनों की वैल्यू जब वन हो तभी इसकी वैल्यू वन होती है। एक टेबल से हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। एक्स और वाई मैंने दो इनपुट एंटर की, एंड ऑपरेटर अप्लाई कर दिया एक्स एंड वाई के ऊपर, 0 0 0 1 1 0 1 1। जब मेरी एक्स की वैल्यू भी फाल्स थी और वाई की वैल्यू भी फाल्स थी तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो भी फाल्स आएगा। जब मेरी एक्स की वैल्यू फाल्स थी और वाई की वैल्यू ट्रू थी, स्टिल द रिजल्ट इज फाल्स। फाल्स का मतलब, ये मैंने कहा था कि जीरो का मतलब होता है ऑफ स्टेज, वन का मतलब होता है ऑन स्टेज। तो जीरो को मैं लेती हूँ फाल्स एंड वन को मैं लेती हूँ ट्रू, ठीक है। तो अब उसके बाद जो मेरी x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 0 आई, मतलब कि ट्रू एंड फाल्स, इन दिस आल्सो केस वी गेट द आउटपुट 0, फाल्स। अगर मेरी दोनों की वैल्यू ट्रू है, मतलब कि दोनों की वैल्यू 1 है, तो हम ट्रू वैल्यू ही हमें आउटपुट में मिलेगी, मतलब कि 1 मिलेगा। अब उसके बाद सेकंड ऑपरेटर है मेरा और। इसके अंदर इसे भी मैं दो वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करती हूँ, एक्स और वाई। इसके अंदर क्या है कि मेरी वैल्यू ट्रू होगी, इस ऑपरेटर की कब ट्रू होगी? आइदर एक्स और वाई, कोई भी ट्रू हो, इनमें से कोई भी एक अगर ट्रू होता है तो मेरी एक्स की वैल्यू ट्रू हो जाती है। मतलब कि एक तो ट्रू होना ही होना चाहिए, एट लीस्ट वन इज ट्रू। इसके लिए टेबल हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्स वाई, एक्स और वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। मैंने क्या कहा कि कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, दोनों फाल्स हैं तो मुझे क्या मिलेगा? फाल्स ही मिलेगा। वाई ट्रू है, एक्स फाल्स है, वी गेट ट्रू। एक्स ट्रू है, वाई फाल्स है, वी गेट ट्रू। बोथ आर ट्रू, एटलीस्ट वन मस्ट बी ट्रू, है ना? तो ये ठीक है, आइदर और इसे कहना गलत होगा, सॉरी, एटलीस्ट करो तुम इसे। आइदर और में तो तुम लोग फिर कन्फ्यूज हो जाओगे, इसे एटलीस्ट करो। और ये अगर दोनों मेरे ट्रू हैं तो स्टिल वी गेट आउटपुट एज ट्रू। अब उसके बाद आया मेरा लास्ट सिंबल नोट।
नोट की जो आउटपुट है वो मेरी ट्रू तभी होगी जब मेरी इनपुट क्या हो, फाल्स हो। इसे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल पे अप्लाई करती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा नोट एक्स, एक्स नोट और ये एक्स, तो एक्स और फिर मैं लिखूंगी नोट एक्स, तो जीरो और वन। जब इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी, और जब इनपुट की वैल्यू ट्रू होगी तो नोट अप्लाई करने के बाद आउटपुट की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। दैट्स इट। ये क्या थे मेरे फोरट्रान के अंदर कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है बेटा, दैट्स इट। हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।